तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में गाइस। और आज हम खेलने वाले हैं गाइस GTA 5। तो भाई इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि माइकल को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और उसमें माइकल को ये बताता है वो बंदा कि माइकल की जो वाइफ है अमांडा, वो अपने टेनिस कोच के साथ मिलकर माइकल के साथ चीटिंग कर रही है। तो माइकल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, माइकल उससे गुस्से में बात करता है, जिसके बाद वो अननोन नंबर वाला बंदा माइकल को ये बोलता है कि अगर तुमको भरोसा नहीं है तो तुम अपने सीधे घर जाके देख सकते हो। जिसके बाद माइकल गुस्से में अपने घर आता है और साइड में गाइस टेनिस का बैट देखता है, जिसके बाद माइकल तुरंत ऊपर जाता है। लेकिन अमांडा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल अमांडा की बात नहीं सुनकर वो अंदर जाता है। तो सही में देखता है भाई कि अमांडा अपने टेनिस कोच के साथ चीट कर रही होती माइकल के साथ, जिसके बाद माइकल टेनिस कोच को मारने के लिए दौड़ाता है। लेकिन इसी बीच वो टेनिस कोच था गाइस खिड़की से कूद जाता है और माइकल का जो रेड कलर का कार है भाई उसको लेके भाग जाता है। तभी फ्रैंकलिन वहाँ आ जाता है और माइकल फ्रैंकलिन के साथ उस टेनिस कोच का पीछा करने लगता है। और काफ़ी समय तक पीछा करने के बाद भी भाई माइकल उसको नहीं पकड़ पाता है। और पीछा करते करते सिटी के आउटर साइड माइकल और फ्रैंकलिन पहुँच जाते हैं, जहाँ माइकल को एक बड़ा सा घर दिखता है जिसके ऊपर वो टेनिस कोच माइकल को चिढ़ा रहा होता है गाइस, जिससे आता है माइकल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा। और माइकल अपने गाड़ी में रखी रस्सी से भाई उस बड़े से विला का जो बड़ा सा पिलर होता है उसको बांध के गिरा देता है। और जैसे ही माइकल गिराता है गाइस, तो काफ़ी सारे उस विला के सिक्योरिटी गार्ड्स माइकल के पीछे पड़ जाते हैं। माइकल और फ्रैंकलिन अपना जान बचा के काफ़ी दूर तक भागते हैं गाइस। और फाइनली काफ़ी समय बाद सिक्योरिटी गार्ड से पीछा छुड़ाने के बाद माइकल यहाँ आके खड़े होता है। तो चलो गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस कि वो जो विला जो अपन गिराए थे वो बिल्कुल भी वो टेनिस कोच का नहीं था, क्योंकि टेनिस कोच का होता गाइस तो टेनिस कोच के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना सारा गार्ड्स अपने विला में अपॉइंट करके रखता। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि वो कोई बहुत ही बड़ा पावरफुल आदमी का विला होगा लॉस सैंटोस का। तो गाइस अपने को ये भी पता लगाना है कि वो कौन से आदमी का विला है, कौन से पावरफुल आदमी का विला है। तो चलो सबसे पहले अपन चले जाते हैं गाइस अपने घर। लेकिन उससे पहले भाई मैं अमांडा को फ़ोन कर देता हूँ कि अपने घर में सब ठीक ठाक तो है ना इसके लिए। तो चलो मैं सबसे पहले अमांडा को कॉल लगा लेता हूँ और बात कर लेता हूँ अमांडा से। तो फाइनली गाइस मैंने अमांडा से अभी जस्ट बात किया है और अमांडा हमको बोल रही भाई कि तो घर में कुछ भी ठीक नहीं है और काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे घर में और जिमी जो कि माइकल के बेटा है उसको उठा के ले गए हैं। और धमकी भी दिया गाइस कि माइकल को जल्दी से जल्दी उनसे बात करना पड़ेगा, नहीं तो जिमी को मार देंगे वो लोग। तो चलो गाइस सबसे पहले मैं चले जाता हूँ सीधा अपने घर और वहाँ जाके अमांडा से और डिटेल में बात करेंगी कि वो सिक्योरिटी गार्ड कब आए थे और जिमी को कहाँ ले गए हैं, अगर उसको कुछ बताए होंगे तो। तो चलो सबसे पहले सीधा मैं घर चले जाता हूँ, उसके बाद बाकी का एक्शन अपन लेने वाले हैं। तो चलो यहाँ से अपन लेफ्ट लेंगे अपने घर के लिए। तो फाइनली गाइस अपन आ चुके सीधा अपने घर। अब यहाँ सीधा उतर के अंदर जाके अमांडा से पूछते हैं गाइस कि कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड आए थे और जिमी को कहाँ ले गए हैं, उसके बारे में कुछ उसको बताए हैं कि नहीं बताए हैं, ये सारा चीज़ सबसे पहले अपन अमांडा से पूछ लेते हैं। चलो अंदर जाके। और देखो अमांडा यहीं मिल गई भाई अपने को, भाई देखने में तो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही है भाई। तो चलो गाइस सीधा मैं अमांडा से बात कर लेता हूँ कि कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे और जिमी को कहाँ लेकर गए हैं। तो फाइनली गाइस हमने अमांडा से बात कर चुके हैं और अमांडा हमको बताई कि भाई काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे ब्लैक कलर की कार में, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि जिमी को वो कहाँ लेकर जा रहे हैं और अमांडा से सिर्फ इतना कहा कि माइकल को बता देना। तो चलो गाइस अपने को कोई भी आइडिया नहीं है कि जिमी को कहाँ लेके गए हैं वो सारे लोग, तो अपने को वो सारा चीज़ भी ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जिमी को कॉल करके देखता हूँ जिमी का फ़ोन चालू है कि बंद है। सबसे पहले अगर जिमी फ़ोन उठा लेगा तो कम से कम वो अपना लोकेशन अपने को बता सकते हैं। तो फाइनली भाई हमने बात कर चुके हैं जिमी से और जिमी के फ़ोन से कोई अननोन पर्सन बात कर रहा था जिसने जिमी को किडनैप किया है। और अब हमें मालूम चल चुका है गाइस कि जिमी को किसने किडनैप किया। तो भाई हमने जिसका घर गिराया था ना, जो बड़ा टाइप का विला था उसको, तो उस विला का मालिक भाई इस शहर यानी लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है। उसके अंदर काफ़ी सारे पुलिस है, उसके अंदर काफ़ी सारे मिलिट्री है, यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट भी उसके अंदर है भाई। तो उसने मेरे को बताया कि तुम्हारे गैराज में जाके देखो, अगर बिल्कुल भी तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो अपना ये गैराज वाला बम वो फोड़ देगा भाई। इसलिए मैं क्या करूँगा कि मेरा जो पहचान का एक सबसे बड़ा वकील है जो लॉस सैंटोस में सबसे बड़ा है, वो भाई मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा था, तो मेरे को सबसे पहले उसके पास जाना पड़ेगा और वो मेरे को आगे का रास्ता बताएगा। ओ भाई 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 भाई, बच गया गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि हमें मारने के लिए वो जो सबसे पावरफुल आदमी वो अपने गाड़ी में बम लगाया होगा भाई। गाड़ी फूट गया, बच गया गाइस। बस मैं जाने ही वाला था बैरिस्टर के पास से।
तो भाई जैसे कि वो अपना कार उड़ा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारा घर भी उड़ा सकता है कभी भी, क्योंकि हमने भी उसका घर गिराया है। तो बिल्कुल भी मैं अमांडा के लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। और देखो जिमी किडनैप है, अमांडा यहाँ है, और जो ट्रेसी है वो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने गई है। तो फाइनली गाइस चलो अमांडा को सीधा मैं लेकर चलता हूँ बाहर। और भाई अपना दोनों गाड़ी ब्लास्ट हो चुका है भाई, ये रेड वाली गाड़ी ही ये भी ब्लास्ट हो चुकी है, और जिसमें अपन आया था ना पिकअप वैन भाई ये भी ब्लास्ट हो चुका है। तो चलो अपन अभी तो सीधा शोरूम नहीं जा सकते गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि भाई अपन काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है। हमारा दोनों कार ब्लास्ट हो चुका है, हमारा जो बेटा है जिमी वो भी किडनैप हो चुका है, और भाई अपने घर में गाइस दो दो बम लगे पड़े हैं। तो चलो ऐसे में तो बिल्कुल भी मैं शोरूम जाने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए सबसे पहले मैं कैब बुला लेता हूँ और अपन तीनों कैब में बैठ के चले जाएंगे फटाफट से। तो चलो गाइस अपन ये आ चुके हैं, अपना जो टैक्सी है वो आ चुका है, तो चलो अपन बैठ के चलते हैं सभी पूरा। तो गाइस अमांडा का फ्रेंड बस यहीं पास में रहती, उसके घर अमांडा को अपन छोड़ देंगे और चल भाई। तो फाइनली गाइस अपन आ चुके हैं अमांडा के दोस्त के घर अपार्टमेंट में, और देखो यहाँ अंदर में रहता है उसका दोस्त। तो फाइनली गाइस हमने अमांडा को उसके फ्रेंड के घर छोड़ दिया, जब तक कि हमारा जो बम है घर में रखा हुआ वो डिफ्यूज़ नहीं हो जाता, और जैसे डिफ्यूज़ हो जाएगा ना फिर से हम अमांडा को लेने चले जाएंगे और अपने घर में छोड़ देंगे। तो चलो सबसे पहले अब मैं चले जाता हूँ गाइस अपने जो बैरिस्टर दोस्त है उससे मिलने। तो पूरा जो सिचुएशन है अपने साथ जो जो भी किस्से हुए हैं अपने बैरिस्टर दोस्त को पूरा ए टू जेड मेरे को बताना पड़ेगा, ताकि वो मेरे को अगला स्टेप बता सके कि मेरे को अब क्या करना चाहिए। तो गाइस जो मेरा बैरिस्टर दोस्त है भाई वो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा वकील है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा फेमस वकील है। तो उसके पास मुझे जाके मेरे को पता लग जाएगा कि हमको अगला स्टेप कौन सा उठाना चाहिए, वो हमको पूरी तरीके से हेल्प करने वाला है। तो फाइनली गाइस अपन आ चुके हैं यहाँ, और यहाँ से मेरे को देखना पड़ेगा कि अपना दोस्त का जो ऑफिस है वो कहाँ है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस ये जो सामने दिख रहा है ना यही ऑफिस हो सकता है। तो ऊपर से अरे अरे ये तो अपने को नीचे उतार दिया। तो चलो फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी आ जा भाई, अपने को ऊपर जाना पड़ेगा भाई। तो ये वाली बिल्डिंग है गाइस जिसमें अपने दोस्त का ऑफिस है बहुत ही बड़ा, तो चलो फटाफट से अपन उसमें चले जाते हैं। और फ्रैंकलिन कहाँ मर गया भाई, फ्रैंकलिन भाई मतलब सिग्नल का वो वेट कर रहा है भाई। तो चलो फटाफट से फ्रैंकलिन आता रहेगा अपने पीछे, लेकिन सबसे पहले अपन चले जाते हैं। तो बस ऑलमोस्ट अपन पहुँच ही गए, और अपन नीचे अपन कार में तो नहीं आए भाई, तो नीचे जाने का कोई सेंस नहीं बनता। इधर से एक रास्ता है अंदर जाने के लिए, तो इधर कौन खड़ा है भाई अपने को देखना पड़ेगा ये भी। तो फाइनली गाइस अपन पहुंच चुके लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग में, जहां अपना जो बैरिस्टर दोस्त है वो रहता है, उसका ऑफिस है। तो चलो फटाफट से अंदर चले जाते ऊपर, और देखो फ्रैंकलिन मेरे साथ ही आ रहा है। तो जल्दी से जल्दी अपन अपने फ्रेंड के ऑफिस में अंदर चले जाते हैं, उसके बाद जितनी भी सारी अपनी तकलीफ है भाई उसको बताने वाले हैं। तो चलो फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ, और फ्रैंकलिन ने बोला भाई कि वो बाहर ही वेट करेगा इसलिए वो अंदर नहीं आ रहा है। तो चलो देखो ये अपना फ्रेंड का ऑफिस है, ये उसकी जो रिसेप्शनिस्ट है वो काम कर रही है। देखो राइट साइड में काफ़ी सारे लोग और अपॉइंटमेंट लगा के खड़े हुए हैं। तो फाइनली ये रहा अपना फ्रेंड, तो चलो ये रहा अपना जो बैरिस्टर दोस्त है वो। तो चलो अभी वो किसी से बात कर रहा है, तो अपन यहाँ कुर्सी में बैठ के उसका वेट करते हैं, फिर फाइनली उससे बात कर लेंगे अपन। तो फाइनली गाइज हमने अपने वकील दोस्त को पूरा हर चीज़ मामला समझा दिया है, तो अब वो अपने एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है, फिर क्या अगला स्टेप अपने को उठाना है वो अपने को बताएंगे अभी। तो फाइनली गाइज अपना जो लॉयर दोस्त है वो पूरा हर चीज़ अपने को समझा चुका है कि अपने को अब अगला स्टेप क्या क्या करना है। तो चलो फटाफट से अपन बाहर जाते, बाहर जाके मैं समझाता हूँ, और फ्रैंकलिन अपना बाहर वेट कर रहा होगा। तो चलो फ्रैंकलिन भाई पीछे आ जाओ। तो चलो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि अपने दोस्त ने क्या कहा। तो जब मैं उनको बताया भी कि अपने साथ ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रखी है, अपने को मतलब अपन गुस्से में किसी दूसरे का टेनिस कोच का घर समझ के दूसरे का जो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है उसका घर गिरा दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, और ऐसा करके जो लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी पुलिस है ना, यहाँ FBI चलती है और जो नॉर्मल पुलिस चलती, तो नॉर्मल पुलिस का जो हेड होता है ना उससे बात किया है, वो अपने को अभी अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। तो चलो फटाफट से अपन चलते हैं उसके ऑफिस में। और भाई अपने पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि टैक्सी अपने को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ ये अंकल से थोड़ा गाड़ी मांगते हैं। तो चलो इससे थोड़ा गाड़ी छीनते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा पुलिस डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस, और देखेंगे कि वहाँ अपने को जो लॉस सैंटोस का पुलिस हेड है वो मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलो इसको यहाँ से कुदा देता हूँ भाई। अरे 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 अरे
बच गया भाई। तो चलो गाइस फटाफट से बिना किसी देरी के अपन चले जाते हैं पुलिस के हेड डिपार्टमेंट और जो पुलिस का हेड है उससे मिलते हैं फटाफट से। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के पुलिस हेडक्वार्टर्स जिसके बारे में हमारे वकील दोस्त ने हमको बताया था और यहां हमको मिलने वाले पुलिस के चीफ, तो उनसे जाके बात करेंगे और वो हमारे प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालते देखते हैं। तो चलो यहां से सीधा अपन अंदर चलते हैं। तो फाइनली अपन आ चुके, देखो फ्रैंकलिन भी अपने साथ ही साथ आ रहा है भाई। तो फटाफट से इधर अंदर चले जाता और देखो काफ़ी सारा पुलिस लगा पड़ा है, इधर भी पुलिस सिक्योरिटी, ये भी पुलिस सिक्योरिटी है भाई। मतलब यहाँ जाना है, यो है वो बैठा है पुलिस हेडक्वार्टर। ओ भाई ये है पुलिस का वो। तो गाइस जो राइट में खड़ा है वो है पुलिस का चीफ जो लॉस सैंटोस का है। वो पावरफुल आदमी नहीं है ये, वो पावरफुल आदमी का मैनेजर है। तो वो पावरफुल आदमी अपने को नहीं आया है। तो चलो गाइस फटाफट यहाँ से चलते हैं और इससे ज़्यादा अच्छा खासा बात हो चुकी। तो ये अपने को बोल रहा है कि जो इसका मेन बॉस है जिसका विला अपन गिराया है, और देखो भाई पुलिस का मतलब ये भी तोड़ दिया अपन। तो चलो गाइस फटाफट बाहर चलते हैं सीधा अपन। तो फाइनली गाइस अपन बाहर आ चुके हैं और अंदर ये बात हुई कि इसका उसका जो मैनेजर अपने को ये बताया गाइस कि जो विला का जो मेन बॉस था, जो सिटी का सबसे पावरफुल आदमी है, वो हमको एक ही शर्त पे माफ़ कर सकता है और वो शर्त है वो फ़ोन पे अपने को बताएगा। वैसे इसके कहने मुताबिक भाई अपने को उसके लिए काम करना पड़ेगा, काफ़ी सारे मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे कि वो ये चाहते हैं कि लॉस सैंटोस का जो प्रेसिडेंट है भाई उसको हमको मारना पड़ेगा ताकि वो अगला प्रेसिडेंट बन सके, पूरे लॉस सैंटोस में काफ़ी ज़्यादा अपना मनमानी कर सके। विंटेज कार भी अपने को चुराने के लिए बोल रहा था। वैसे ऐसी काफ़ी सारे मतलब अपने को मिशंस देने वाले हैं। तो चलो भाई फटाफट से अपन चले जाते हैं सीधा अपने घर में। लेकिन उससे पहले भाई मैं सोच रहा हूँ गाइस कि तो अपने को घर जाने से पहले गाइस बम स्क्वाड को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि अपने घर में बम है। सबसे पहले अपने घर का जो बम है ना उसको डिफ्यूज़ कराना पड़ेगा। तो चलो मैं फटाफट से बम स्क्वाड वाले को फ़ोन कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने बॉम स्क्वाड वाले से बात कर लिया हूँ और वो बोल रहे हैं कि वो मेरे घर में पहुँच ही रहे हैं। तो चलो सीधा अपन भी चलते हैं अपने घर में। और भाई यहाँ ऊपर क्या हुआ सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो चलो साथ ही साथ मैं बताते हुए चलता हूँ। तो भाई ऊपर जब मैं गया था तो जो पुलिस का हेड था उससे उसको तो मैं पहचान चुका था भाई, लेकिन उसके लेफ्ट में बैठा था गाइस उसको मैं नहीं पहचान पाया था। तो बाद में उससे बात करने के बाद पता चला भाई वो जो सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है ना लॉस सैंटोस का, जो प्रेसिडेंट को भी खरीद सकता है, उसका मैनेजर था भाई, मतलब राइट हैंड था। और वो अपने को बता रहे कि हमने काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी जाने अनजाने में, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है जो पावरफुल आदमी है वो। तो उसके बारे में अपने को उसने कोई आइडिया नहीं दिया कि कौन है वो, कहाँ रहता है, उसके बारे में अपने को कुछ नहीं पता। तो अपन सिर्फ ये मैनेजर को जानते हैं और ये मैनेजर ही टाइम टाइम पर अपने को फ़ोन कर करके जो अगला अपना टास्क रहेगा वो बताते रहेगा। और भाई वो अपने को बताया कि जो आर्मी चीफ यानी को जो पुलिस चीफ है लॉस सैंटोस का, यानी कि जो मोटा पुलिस ऑफिसर बैठा था भाई, उसको पूरी तरीके से हम खरीद चुका है गाइस वो, मतलब पूरी तरीके से अपने वश में कर चुका है, काफ़ी सारा पैसा दिया उसको, जिसके वजह से अपन वो पुलिस ऑफिसर से भी मदद नहीं मांग सकते। तो चलो फटाफट से सीधा अपन चलते अपने घर। और उस पुलिस हेड से गाइस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी उससे मिल जाएगा। तो चलो फटाफट सीधा चलते हैं अपने घर। यहाँ से बस मेरे को राइट लेना है यहाँ, फिर यहाँ से लेफ़्ट लेना है, फिर सीधा जाना है। और बॉम स्क्वाड वाले मेरे को बोलेगा इस फ़ोन करके, मतलब जब मैं फ़ोन किया था बॉम स्क्वाड वाले को तो वो मेरे को बोले कि भाई बस अपन पहुंच ही रहे हैं तुम्हारे घर में, तुम भी जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो चलो फटाफट से अपन चलते हैं अपने घर में और देखते कि बॉम स्क्वाड वाले यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो देखो भाई फाइनली काफ़ी सारे पूरे बॉम स्क्वाड सिक्योरिटी फोर्स सहित पहुँच चुके अपने घर में। और देखो भाई ये कौन सी गाड़ी है भाई, मतलब ये बॉम स्क्वाड वाले की गाड़ी। फायर फाइटर वाला भी पहुंच चुका है, ये है बम डिफ्यूज़ करने वाला बम स्क्वाड का मेंबर, और काफ़ी सारे पुलिस है और एफबीआई का मेंबर भी पहुंच चुका है भाई। जल्दी से जल्दी ये एफबीआई ऑफिसर से मैं बात कर लेता हूं और इसको बता देता हूं कि बम अंदर में है ताकि जल्दी से जल्दी ये डिफ्यूज़ कर सके। तो फाइनली गाइस ये एफबीआई ऑफिसर से मैं बात कर चुका हूं, अब इसको सीधा अंदर चल के दिखा देते कि बम कहां पे प्लेस है ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी पूरे बम को डिफ्यूज़ कर सके। तो चलो देखो भाई पूरे मतलब एफबीआई ऑफिसर के पीछे पीछे जो उसके टीम है भाई पूरा फटाफट से आ रहा है। तो चलो फटाफट ये ऑफिसर को अपना गैराज दिखाते हैं कि कहाँ बॉम्ब प्लेस है ताकि जल्दी से जल्दी ये पूरे बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर सके। तो देखो भाई यहाँ ये रहा बॉम्ब और भाई इसी को डिफ्यूज़ करना है फटाफट।
तो फाइनली गाइस देखो बम स्क्वाड वाला एक बंदा है, वो अंदर जाके पूरा बम को डिफ्यूज़ करने में लगा है। तो चलो मैं बाहर चले जाता हूँ भाई, क्योंकि उस वो तो सूट पहना है, अगर बम गलती से फट गया तो उसके साथ मैं भी मर जाऊँगा। और देखो ये लोग इधर देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जल्दी से जल्दी जैसे ही वो बम डिफ्यूज़ करेगा भाई, अपना जो घर है वो 100% सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। और ये FBI वाला ऑफिसर भी मेरा रिपोर्ट अच्छे तरीके से लिख लेगा। और ये वाला बम डिफ्यूज़ हो जाने के बाद भाई ये FBI वाला ऑफिसर और पूरे घर को अच्छी तरीके से छानबीन करेगा, ताकि घर में और कहीं जगह तो कोई बम छुपा के नहीं लगाया हुआ है। तो चलो गाइस जब तक वो बम स्क्वाड वाला बंदा बम को डिफ्यूज़ करने में लगा है, तब तक हम ये FBI ऑफिसर से बात कर लेते हैं फटाफट से, ताकि अपने घर में और कहीं कोई बम छुपा के लगाया होगा तो उसको भी डिफ्यूज़ करा सके जल्दी से जल्दी। तो फाइनली गाइस ये बम स्क्वाड वाला बंदा बम डिफ्यूज़ कर चुका है, तो अब अपना घर 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो सीधा मैं चले जाता हूँ गाइस अमांडा को लाने के लिए। और देखो फ्रैंकलिन को मैं बोला था भाई कि ये गाड़ी अपना रिपेयर करवा के ला दे, तो देखो फ्रैंकलिन भी ठीक ठाक अपना कार रिपेयर करवा के ला चुका है। तो वो लोग अभी और घर के अंदर पूरा छानबीन करेंगे कि घर में कहीं और जगह तो बम कोई छुपा के नहीं रखा है, ताकि फ्यूचर में अगर वो फटफट जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलो जब तक वो लोग पूरे घर की छानबीन कर रहे हैं, तब तक हम चले जाते हैं अमांडा को उसके फ्रेंड के घर से वापस पिकअप करने, क्योंकि अब हमारा घर भाई 100% सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। वो लोग अभी जब तक अपन वापस आएंगे ना, तब तक पूरे घर की अच्छी तरीके से तलाशी ले चुके होंगे। अगर कहीं और बम वगैरह मिलेगा ना अपने घर में, तो उसको भी वो लोग डिफ्यूज़ कर चुके होंगे। तो चलो फटाफट सीधा मैं चले जाता हूँ अमांडा के फ्रेंड के घर अमांडा को पिकअप करने, और फिर अमांडा को अपने घर में ला लेंगे। फिर उसके बाद देखना है अपने को जिमी का क्या करना है, क्योंकि माइकल का जो बेटा है गाइस जिमी, वो अभी तक किडनैप है, उसके बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। और जो अपन पुलिस हेडक्वार्टर गए थे भाई, तो वो पुलिस भी उससे मिला हुआ है, और उसका मैनेजर भी हमको कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ इतना बोला कि वो हमको फ़ोन में पल पल में गाइड करता रहेगा कि अपने को अब अगला टास्क क्या करना है, अब अगला टास्क क्या करना है। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे गाइस, तो वो क्या करेगा कि माइकल का बेटा जिमी को मार देगा। तो चलो फटाफट मैं पहुंच ही चुका हूँ अमांडा के पास। वैसे अमांडा अभी फ़ोन करी थी मेरे को, वो बोल रही कि वो अपने फ्रेंड के घर से निकल गई, वो हाईवे में कहीं खड़ी है, तो अब हमको उसको हाईवे से पिकअप करना पड़ेगा। तो चलो फाइनली आगे चल के देखते हैं अमांडा को आगे पिकअप करना है हाईवे से अपने को। तो चलो भाई अपन फाइनली आ चुके हैं अमांडा के पास, और देखो अमांडा यहाँ खड़ी हुई है गाइस। तो चलो फटाफट अमांडा को भी बैठने बोलते हैं कार में। तो चलो गाइस सीधा अपन चलते हैं अपने घर फटाफट से। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी, अरे इधर से जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक FBI और बाकी सारे ऑफिसर मिलके अपना जो घर में बॉम्ब था भाई, पूरे बॉम्ब वगैरह की छानबीन कर चुके होंगे। और ये रहा अपना घर, तो चलो सीधा मैं चलता हूँ अपने घर। तो फाइनली गाइस अपन आ चुके हैं अपने घर, और देखो गाइस बाहर में जितनी भी सारी गाड़ियाँ थी ना, सारे गाड़ियाँ जा चुकी है। और मुझे ऐसा लग रहा है अपने घर में जितने भी सारे बॉम्ब वगैरह थे ना, सारे बॉम्ब को वो डिफ्यूज़ कर चुके हैं। और अगर कोई बॉम्ब वगैरह नहीं मिला होगा ना, तो वो लोग चले गए होंगे। तो चलो सीधा ये अंदर का गैराज में जा के देखते हैं कि भाई देखो गाइस यहाँ जो बॉम्ब था भाई, उसको डिफ्यूज़ करके सीधा वो लोग अपने साथ लेकर चले गए हैं। तो चलो अमांडा को बुलाता हूँ मैं सीधा, और सबसे पहले मैं जूस पी लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वाला दिन था भाई आज, तो दिमाग ख़राब हो चुका है। और मेरे को अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि माइकल का जो बेटा है भाई जिमी, वो अभी भी किडनैप है, और उसके बारे में माइकल को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। तो चलो अपन जूस पी लिए एक बार, विस्की भी पी लेते हैं फटाफट। उसके बाद अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, अपने को सिर्फ वो जो सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है लॉस सैंटोस का, तो अभी अपने को उसका नाम भी पता नहीं है गाइस। और अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने को उसका कॉल का वेट करना पड़ेगा, जब वो अपने को कॉल करेगा तब अपन जिमी से बात कर पाएंगे, और अपना जो अगला टास्क क्या रहेगा वो अपने को बताएगा। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना।